जाति के नाम पर फिर इन्होंने क्या किया है? मुझे दूर मत करिए, ये महोदय एक कटिंग है, यूपीएससी का माया जाल, 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के, ये है राजभर जी। देखिए एक कमाल, एक कमाल देखा होगा ना आपने भी, 86 एसडीएम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं, यही है इनका सामाजिक न्याय। उन्होंने कहा कि 46 एसडीएम में 56 यादव एसडीएम। अध्यक्ष महोदय, स्लिप ऑफ टंग हुआ था ये सदन से, जो आरोप लगा कि 2011 में 46 में 56, तो ये मैं मानता हूँ कि नेता सदन से स्लिप ऑफ टंग हुआ। अरे अध्यक्ष महोदय, वो वीडियो ऑनलाइन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वीडियो ऑनलाइन है, आज हम कुछ कहना चाहें वो नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने एक अखबार की, मुझे नहीं पता कि वो सच्चाई क्या है उसकी, और कहा, हालांकि वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, उन्होंने कहा कि 46 एसडीएम में 56 यादव एसडीएम थे, 86 अध्यक्ष महोदय, स्लिप ऑफ टंग हुआ था नेता सदन से। अरे यार, अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने एक अखबार की कोई कटिंग लाई और यही मैं मान लेता हूं कि विशेष जाति, लेकिन क्योंकि सदन में उस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल होती है जो होनी, जो बाहर होती है, जो बाहर कहा गया वो दूसरी बात थी, वो हमारे सदस्य इस तरफ के भी जानते हैं, उस तरफ के भी जानते हैं, और जो लॉबी में बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं, और पूरा प्रदेश जानता है इस बात को, क्या उंगली उठाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने उम्मीद की थी कि नेता सदन की तरफ से वो टेबल कर देते सूची, लेकिन अध्यक्ष महोदय अभी तक टेबल नहीं गई, की गई है सूची, और अगर टेबल हो जाए सूची तो कम से कम ये सदन और पूरा प्रदेश जान ले कि आखिरकार क्या उस समय किया गया था, जो एसडीएम की भर्ती में कौन कितनी बिरादरी के थे। अध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी के हिसाब से है, हालांकि जातियां आप नहीं पढ़ सकते, अगर आप अनुमति दें तो मैं पढ़ सकता हूं, कोई जरूरी ना हो तो ना पढ़िए। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, आवश्यक नहीं हो तो मत पढ़िए। नहीं नहीं, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आरोप लगता है, और क्योंकि उन्होंने अपनी बात को सच करने के लिए, साबित करने के लिए हमारे विपक्ष के साथी, सत्ता में मानू विपक्ष में मानू, आपको विपक्ष में खड़ा होऊंगा तो बताऊंगा कि सत्ता में हूं कि विपक्ष में। 2011 में ये हमारे जो माननीय सदस्य हैं ये घूमते रहते हैं, हमारा बहुत पुराना कवि साथ था एक जमाने में, शुरुआती दौर में भी हमारे साथ था, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में भी थे। 2011 में जिसका आरोप लगा था, सदन में जो प्रेस नोट पड़ी गई थी, नेता सदन अगर रखना चाहे आप, टेबल करना चाहे तो मैं क्यों पढ़ूंगा, आगे बढ़िए, पढ़ दीजिए आगे बढ़िए। जो आरोप लगा कि 2011 में 46 में 56, तो ये मैं मानता हूं कि नेता सदन से स्लिप ऑफ टंग हुआ, 46 में 56 कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था। अरे अध्यक्ष महोदय, वो वीडियो ऑनलाइन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो ऑनलाइन है, आज हम कुछ कहना चाहें वो नहीं हो सकता, नेता सदन जानते हैं, आपने दोबारा नेता सदन का भाषण नहीं पढ़ा, डांट पड़ेगी आपको घर जाकर के, वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता हो गया हो। जो टोटल भर्ती एसडीएम की उस समय हुई थी वो 30 थी, जिसमें मात्र यादव एसडीएम 5 थे, जिसमें और बिरादरी के हैं मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं,
एक सात थे और तीन थे, और पूरी सूची मेरे पास नहीं है लेकिन सरकार सूची जारी करे। 2012 में पीसीएस भर्ती में जो आरोप लगा वो यादव एसडीएम चार थे, 2013 में छह थे केवल, तो आखिरकार 2015 में तीन थे। मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे। और अध्यक्ष महोदय मुझे याद है, हाँ विशेषाधिकार तो बनेगा, सरकार जारी करे इस सूची को। इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है, यही डॉक्टर रामलाल लोहिया जी का सपना था, यही नेताजी का सपना था और संघर्ष था, और यही सबका साथ सबका विकास है, यही राम राज्य और यही समाजवाद है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने पिछड़ों को अपमानित करने के लिए जनगणना कराई थी कि क्लास थ्री क्लास फोर में कितने कर्मचारी हैं। मैं उस समय सदन में नहीं था, हमारे विपक्ष के लोग जानते होंगे, और अध्यक्ष के अध्यक्ष जी सरकार के पास वो रिपोर्ट है। जिस तरह से और प्रदेशों में हो रहा है अध्यक्ष महोदय, अगर गणना हो रही, जाति जनगणना हो रही, हर स्तर पे हो रही है, तो ये सरकार उस आंकड़े से भागती क्यों है? उस आंकड़े को सामने रखे। और अगर आप जाति जनगणना के खिलाफ हैं तो आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्यों नहीं है? आप आउटसोर्सिंग के खिलाफ क्यों नहीं है? अगर आप अध्यक्ष महोदय, सरकार जाति जनगणना के खिलाफ है कि जातिवादी फैला रही व्यवस्था, तो आउटसोर्स व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए।